एक जंगल में चिंपो नाम की एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। चिंपो बहुत दयालु थी और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। एक दिन जंगल में बहुत बड़ा सूखा पड़ा, पेड़ पौधे मुरझा गए और जानवर पानी की कमी से परेशान थे। चिंपो यह देखकर बहुत दुखी हुई। जंगल के बीच में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। कहते थे इस पेड़ में एक जादुई बटन छुपा हुआ है जिसे दबाने से बारिश हो जाती है। चिंपो ने इस जादुई बटन के बारे में सुना था। उसने सोचा, अगर मुझे वह बटन मिल जाए तो मैं बारिश करा सकती हूँ और जंगल को बचा सकती हूँ। चिंपो बरगद के पेड़ के चारों ओर खोज करने लगी। उसने हर गांठ, हर शाखा को ध्यान से देखा। आखिरकार उसे एक छोटा सा चमकीला बटन पेड़ की जड़ के पास मिला। चिंपो बहुत खुश हुई। उसने सावधानी से बटन दबाया। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। जोरदार बारिश होने लगी। चिंपो खुशी से नाचने लगी। पेड़ पौधे हरे भरे हो गए और जानवर पानी पीकर खुश हो गए। कुछ दिनों बाद चिंपो जंगल में घूम रही थी, तभी उसने देखा कि कुछ शेर एक छोटे से हिरण का पीछा कर रहे हैं। हिरण बहुत डरा हुआ था। चिंपो को उस पर दया आई। उसने सोचा, शायद जादुई बटन से मैं उसकी मदद कर सकती हूँ। चिंपो ने जल्दी से बटन दबा दिया। इस बार आसमान में इंद्रधनुष बन गया और मीठा फल जंगल में हर जगह गिरने लगे। शेर फलों को खाने में व्यस्त हो गए और हिरण भाग निकला। चिंपो ने राहत की सांस ली। उस दिन चिंपो ने सीखा कि जादुई बटन का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करना चाहिए। वह खुश थी कि वह जंगल के जानवरों की रक्षक बन गई थी।